नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर खुफिया एजेंसियों के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। इनसे पता चलता है कि कुछ राजनीतिक दल और संगठन युवाओं को भड़काने में लगे हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक साजिश के तहत इस योजना की आड़ में यूपी की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश हो रही है। कौन सी साजिश का शिकार हुए छात्र, देखिए इस रिपोर्ट में। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। इस नाम को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का स्टूडेंट विंग माना जाता है। इसी स्टूडेंट विंग की एक चैट पुलिस के हाथ लगी है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि खुफिया एजेंसियों के हाथ कुछ सुराग लगे हैं, उनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ प्रशांत कुमार ने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ कुछ युवाओं के द्वारा आक्रोश दिखाया गया है। यूपी में 17 जगहों पर विरोध प्रदर्शन की सूचना है। बलिया और अलीगढ़ में आगजनी की घटनाएं हुई हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवक द्वारा अलीगढ़ की जट्टारी पुलिस चौकी में आग लगाने का मामला सामने आया। इसके अलावा कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाएं भी सामने आई, जिसे पुलिस ने नियंत्रित कर लिया है। जबकि मथुरा में कुछ जगहों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। सभी छात्रों को भर्ती प्रक्रिया के बारे में समझाया जा रहा है। हमें ये भी सूचना मिली है कि कुछ संगठनों के द्वारा इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल खुफिया एजेंसियों को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगा है, जिसमें 17 जनवरी को अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरने और माहौल को बिगाड़ने की अपील की गई। अब खुफिया एजेंसी इस चैट के माध्यम से अपनी जाँच को आगे बढ़ा रही है। यूपी के एडीजी कानून और व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि खुफिया एजेंसी को अग्निपथ विरोध को लेकर अहम सुराग लगे हैं, जिसमें कुछ संगठनों के नाम सामने आए हैं। अब इसी आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भारत में एक नया छात्र संगठन है, जिसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का स्टूडेंट विंग माना जाता है। पीएफआई के समर्थकों ने पहले कानपुर को जलाया, फिर प्रयागराज में दंगा भड़काया और अब छात्रों के नाम पर यूपी की फिजा में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। पीएफआई की मदद से ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। 17 तारीख का दिन पहले ही तय कर लिया गया था, लेकिन यूपी में उसकी ये पैतरेबाजी कामयाब नहीं होने वाली। अब जब विपक्ष को सरकार की खिलाफत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो पीएफआई के साथ मिलकर प्रदेश की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।